तो दैट वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट कि मुझे लगा कि अब शायद जो हम कुछ ह्यूमन वैल्यूज का ये सब मिशन लेके चले हैं अब वो जो तो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया है। मैं पढ़ा रहा था ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, तो थोड़े 10-15 लेक्चर्स के बाद जब हम लोगों ने फिजिकल फैसिलिटीज़ वगैरह पढ़ ली तो उसके बाद एक स्टूडेंट ने आके कहा कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बताइए। वो क्लास के फ्रंट में आया और उसने सारी क्लास को आके कहा कि दीज आर द शूज विच आई परचेज यस्टरडे और इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है। और उन्होंने कहा कि मैं पहली दफ़े मुझे अजीब सा नहीं लग रहा ये बताने में कि मैंने 250 रुपये के शूज़ ख़रीदे हैं और ये ना ब्रांडेड शूज़ हैं ना इसमें कोई और चीज़ है, क्योंकि अब तक हम समझते रहते थे कोई शूज़ ही अगर 1500 का है 2000 का है वही अच्छा है, ठीक है। तो उसने कहा कि अब इतना सब कुछ समझ में आ गया है कि जो जिसका वर्क है प्रॉपर वो है और ये अगर 200 रुपये का है तो भी उसका वही काम है और 1000 रुपये का है तो उसका भी वही काम है। तो उससे रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट्स में बड़ा रहता है कि तुम्हारे पास क्या चीज़ है मेरे पास क्या चीज़ है, वो सब ख़त्म हो गया और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्टूडेंट पर पड़ा और उसने उस चीज़ को रियलाइज़ किया।